तबाही नेपाल में आए भूकंप ने मचाई है। कच्चे मकान जमींदोज हो गए हैं, पक्के घरों में दरारें आ गई हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि 3 नवंबर को आया भूकंप कितना खतरनाक होगा। कैसे घरों में सोते हुए लोग वही मलबे में दब गए होंगे। ये हालात किसी को भी डरा सकते हैं। यहां भूकंप आने के 2 दिन बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नेपाल आर्मी यहां लोगों की मदद कर रही है। लेकिन जो लोग बेसहारा हुए हैं वो अभी भी खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें वाकई डरावनी हैं। यहाँ प्रशासन की मदद से पीड़ित लोगों को जरूरत की वस्तुएं मुहैया जरूर कराई जा रही हैं, लेकिन कब तक ये लोग ऐसे ही खुले आसमान के नीचे अपना समय व्यतीत करेंगे ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। अब इस जरूरत की घड़ी में भारत ने सहायता प्रदान करके अपने पड़ोसी की मदद के लिए कदम बढ़ाया है। भारत की पड़ोस प्रथम नीति के तहत IAFC-17 ग्लोब मास्टर राहत सामग्री लेकर नेपाल के लिए रवाना हुआ। इस प्लेन में भूकंप पीड़ितों के लिए आवश्यक राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता शामिल थी। बता दें कि भारत भूकंप प्रभावित नेपाल के लोगों को सबसे पहले मानवीय सहायता प्रदान करने वाले देशों में से एक रहा है।